पोहरी में राज्य मंत्री राठखेड़ा ने सहायक उपकरण वितरण शिविर में पहुंचकर दिव्यांगजनों को की ट्राई साइकिल वितरण। पोहरी जनपद पंचायत सभागार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा आज पोहरी जनपद प्रांगण में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदाय किए जाने हेतु आयोजित किए गए कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पात्र 39 दिव्यांगजनों को बैटरी ट्राई साइकिल, 18 सादा साइकिल, 13 कानों की मशीन, 8 वितरण किए गए। राज्य मंत्री राठखेड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक जनहितैषी योजनाएं बनाई गई हैं जो दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचा रही हैं। इन योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इनका लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य है। दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने का हमारा प्रयास है। दिव्यांग भाई बहनों को किसी कारणवश जो कठिनाई आती है, इन सहायक उपकरण के माध्यम से उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के दिव्यांग कैंपों के माध्यम से दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जाता रहेगा। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री राठखेड़ा में उपकरण प्राप्त करने वाले समस्त दिव्यांगों को शुभकामना एवं बधाई दी। जिन दिव्यांगजनों को उपकरण के दौरान सहायक उपकरण दिए गए, उनकी खुशी भी देखने लायक थी। इस अवसर पर कार्यक्रम में राज्य मंत्री राठखेड़ा के साथ जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष मुन्ना लाल आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कि हमें जिता दो, हमें बना दो और 8 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर दे। किसी का हुआ वो 2 लाख भाजपा से, एक भी आदमी के 2 लाख का कर्जा माफ हुआ तो झूठ बोले, पब्लिक को गुमराह किया, वोट ले लिए। वोट लेने के बाद 2 लाख तो छोड़ो, हमारी माता पिता बद्रीनाथ रामेश्वर जाते थे तो ट्रेन और बंद कर दी। कमलनाथ पापी विकलांगों को साइकिल मिलती थी, 3 साल में किसी को नहीं मिली, बंद कर दी। जनधन योजना बंद कर दिया, लाडली बेटी, लाडली लक्ष्मी बेटी बंद कर दी योजना। सम्मान किसान सम्मान निधि मोदी जी देते थे, नहीं वो तो पहले बंद कर देते मोड़ में। तो जितनी योजना चलाई थी सारी योजना बंद कर दी। फिर मैंने उस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इस मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने सारी योजना चालू कर दी। अब मैं आप विकलांग भाइयों को बताना चाहता हूँ, चिंता ना करो, अब की यात्रा जब जाएगी तो हवाई जहाज से जाएगी, फार्म भर देना, हवाई जहाज में आपको भी यात्रा कराई जाएगी। हमको प्रत्याशी नहीं देखना, प्रत्याशी देखोगे तो काम चलने वाला नहीं है। हमको तो सिर्फ देखना, तो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल हमको देखना, कमल का फूल को हमको बोलना। और डालोगे तो हम विश्वास दिलाता हूं, बहनों को वादा किया था कि 1,000 देंगे, शराब बना रहे 1,250 देंगे, 1,250 देंगे। दिवाली आ रही है, 1,500 में देंगे बहनों, हर त्यौहार पर 250 बढ़ाएंगे और हर बहन को 3,000 रुपये हम देंगे।